जिन्हों का नाम निष्कलंक महाताम विष्णुपुरी खेड़ा मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण सन 1938 दे विच शुरू किया सीगा और 42 दे विच कंप्लीट हो गया सीगा। कपूरथला के गांव खेड़ा दोना का प्राचीन खेड़ा मंदिर जिसकी नींव 1933 में रखी गई थी और मंदिर 1942 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। 80 वर्ष से ज़्यादा पुराना यह मंदिर जिन्हें देखकर भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां इस स्थान पर स्थापित की गई हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंदिर के सेवादार नरसिंह और संगत के एक सदस्य ने इस संबंध में जानकारी दी है। जेदा कि एक एक किट गंगा जल ना धो के राम राम का नाम लैके और अंग्रेजी अक्षर कट के इतने लगी हुई है। इतने जी मेन प्रतिमा महाविष्णु जी लेटे हुए शीर सागर दे विच उन्होंने चरण द्वारे लक्ष्मी जी, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ शंकर जी और इतने राधा कृष्ण जी, वेद व्यास जी, श्रीमद भागवत महापुराण, हनुमान जी, राम दरबार और गरुड़ भगवान जी आ। बाकी दे दर्शन जेड़े आ उपर आ जिन्हां दे आपां बाद विच उन्हां दे जानकारी दित्ती जाऊगी। और उत्ते उपर केड़ी केड़ी प्रतिमा जी? इस दे उत्ते जी तुहानूं जेड़ी प्राचीन प्रतिमा आ उह हैगी आ जी लक्ष्मी नारायण, जिन्हां नूं सत नारायण भी कहिंदे आ, ब्रह्मा जी, ब्रह्माणी जी और शिव परिवार जो कि प्राचीन आ, जिन्हां दी स्थापना पहलो मंदिर बनन दे समय हुई सी और जिहड़ी हुण 2005 दे विच स्थापना हुई आ 10 अवतार आ जिहदे विच मच्छ, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बोधा इत्थे तक स्थापना जिहड़ी आ हुई आ और जिहड़ी हुण जिहड़ा इह अवतार हो चुके आ। इह मंदिर दा संकल्प किद्दां आया मंदिर विच तुहाडे परिवार दे? इह संकल्प साडे दादा जी और दादा जी दे भाई साहब पंडित किशन चंद और पंडित त्रिलोचन देव जिन्हां ने इस मंदिर दा निर्माण शुरू किया सन 1938 च और 42 च कंप्लीट किया। किवें मन च ख्याल आया उन्हां ने अपने पिता जी जेडे माधो राम जी आ उन्हां दी याद विच इह मंदिर बनाया। इंटरेस्ट इक मंदिर होर भी आ, उहदा की इतिहास है? बिल्कुल जी, उहदे बारे भी पूरी जानकारी दित्ती जाऊगी। जिहड़ा एंट्रेंस ते मंदिर आ उह हैगा भगवती कमला देवी दा, जिन्हां दा जन्म इसे स्थान दे उत्ते पंडित किशन चंद जी दे घरे होया। 9 साल दी अवस्था विच उसे जगह दे उत्ते उन्हां ने अपना प्राण त्याग दित्ते और परिवार भी उन्हां नूं एक साधारण जिहा रूप समझ बैठे सीगे, पर जदों इस मंदिर नूं शुरू किया 38 च और मंदिर कंप्लीट होने वाला सी, उत्ते वाली बुरजी जिहड़ी आ बार बार गिर जांदी सी, फिर सारिआं दे मन च विच प्रश्न आए कि क्यों गिर रही आ। फिर आकाशवाणी हुई और स्वप्न आए कि सब तो पहलों माता का मंदिर बनूगा, फिर यह कंप्लीट होगा। उस तो बाद सब तो पहलों कमला देवी का मंदिर बनिया और फिर यह मंदिर बनिया। हुण इत्थे दी मानता उदों ही बन गई सी कि सब तो पहलों कमला देवी जी दे दर्शन करदे आ भगतजन, फिर इधर करदे आ, आरती विच वी आउंदा प्रथम तुम्हारी पूजा फिर बाकी सब की तब सेवक को प्राप्त सहज हरी भक्ति। जेकर देखा जावे कि यह मंदिर काफ़ी पुराना है, काफ़ी इतिहासक है, लोगों ने इहदे बारे जानकारी बहुत घट है, की कारण समझ रहे? देखो जी, ये एक गुप्त स्थान आ, गुप्त स्थान भी आ और ये एक पिंड आ खेड़ा मंदिर, जिहड़ा कि इन्ना प्रचार नहीं गा, मंदिर का कोई प्रचार नहीं हो रहा। बाकी भगवान सब कुछ कराने वाले आ जी, जिदा जिदा टाइम आना उदा उदा इत्थे संगत वधूगी और बाकी जिहड़ी इत्थे मानता जां इह सारा गुप्त स्थान आ, क्योंकि बाबा जी साडे परदादा जी उन्होंने गुप्त उन्होंने उन्होंने कहना कि यह गुप्त खेल बिन प्रगटाए, आए थे युग पलटान हरे, जय निष्कलंक भगवान हरे, जय कलगीधर भगवान हरे। मेरा नाम नरोत्तम देव आ, मैं एक पिंड खेड़ा दुना का निवासी हाँ जी, तो इत्थे ही रह रहा वा। इत्थे कमला देवी जी का, माता कमला देवी का मंदिर आ, विष्णु भगवान जी का मंदिर आ। विष्णु भगवान जी इदा दे सरूप जड़ा वा वो एक साउथ दे विच जड़ा मंदिर आ पद्मनाभ उत्थे स्थापना वा या इत्थे स्थापना वा,
पंजाब दे विच तां इदां दा मंदर है ही नहीं कितें।